तो हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिन सेंटेंसेस में बिल्कुल वेगनेस जरा सी भी ना रहे। जब हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, अब इन सेंटेंसेस में एक चीज़ काम करनी पड़ेगी, इन सेंटेंस में बनाते हैं लॉजिकल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो इडली को इलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ना हो जाए तो सारे जो ग्रुप हैं हम उनको देखना पड़ेगा कि टाइप में बांधना पड़ेगा, ये ग्रुप किस टाइप का है। इस टाइप को हम ये इस तरह देखेंगे तो ये ग्रुप जो है लकड़ी का ग्रुप कहलाएगा, ये लकड़ी टाइप कहलाएगा। तो हम पहले उनको इस तरह लाएंगे ताकि हमारी बिल्कुल स्पष्ट लैंग्वेज हो जाए। हम उनको पहले टाइप में बांधेंगे और टाइप में बांध के फिर हम उनको लॉजिकल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये नियम जो हमने ऐसे ही न रख लिए, बल्कि ये सारे लॉजिकल कंस्ट्रक्ट हैं। हमने लॉजिकली, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, टेबल कोई वस्तु हमारे घर में नहीं है। टेबल क्या है? लॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ये हमारे घर में क्या है? घड़ी क्या है? लॉजिकल कंस्ट्रक्ट। और सारी चीज़ें जो हैं, तो रसल ने इस तरह से सारी दुनिया की जो चीज़ें हैं उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी ऑफ डेफिनेट डिस्क्रिप्शन एंड थ्योरी ऑफ वेग डेफिनेशन। जिस डेफिनेशन में सो एंड सो का शब्द आ जाए वो वेग है, और जिसमें इट का शब्द आ जाए, इट इज, इसका मतलब सीधा हम बात कर रहे हैं। तो डेफिनेट थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन पर रसल का बहुत लंबा सारा का सारा डिस्क्रिप्शन। लैंग्वेज की वजह से कहाँ गड़बड़ हो जाती हैं, हम कई बार गलत लैंग्वेज प्रयोग कर जाते हैं, और उसके लिए जैसा कि हमारे पॉजिटिव स्लोग कहते हैं ना कि ऑल मेटाफिजिक्स इज़ द आउटकम ऑफ बैड ग्रामर। जब हम बैड ग्रामर इस्तेमाल करते हैं तो मेटाफिजिक्स बन जाती है। तो इनडायरेक्टली एक तरीके से रसल भी यही बात कह रहे हैं, हालांकि रसल ने ये शब्द प्रयोग नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम लैंग्वेज को ठीक इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वेग बन जाती है, और वेग डेफिनेशन जो है जब भी बन जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि हमने कहा मक्खन का पहाड़, अब ये लॉजिकल कंसेप्ट नहीं है। मक्खन हमने कहीं देखा, पहाड़ हमने कहीं देखा, तो विटगेंस्टन की तरह कहेंगे कि क्या पहाड़ को मक्खन के साथ जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता, तो मीनिंगफुल होते हुए इनका जब जोड़ोगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। हमने एक बहुत सुंदर लड़की देखी जो बड़ी सुंदर है, पतली दुबली है, और हमने आकाश में उड़ती हुई चिड़ियाँ देखी, तो हमने कल्पना में बना दिया कि हो अगर तेज़ हवा चली तो ये लड़की भी उड़ जाएगी। तो हमने कहा फेरीज़। अब जब फेरीज़ का शब्द हमने बना दिया तो एक मेटाफिजिक्स बनानी पड़ेगी, फेरीज़ क्या हो, कहाँ होती हैं, फेरीज़ कहाँ रहती हैं। तो फिर हमने पढ़ा कहा कि लैंड है, उसका नाम है कॉकेशस, वहाँ कॉकेश। अरे तुमने पहले ही गलती कर दी, फेरीज होती नहीं, तो तुमने गलती कर दी कि दो चीज़ों को, परों को तुमने लड़की के साथ जोड़ दिया, जबकि वो जुड़ ही नहीं सकते। तो कौन सी चीज़ को कौन सी चीज़ के साथ जोड़ा जा सकता है लैंग्वेज में, अगर इसका हमें ध्यान नहीं है तो सारी मैटर बहुत, एक चीज़ नहीं बहुत सारी। अब मक्खन का पहाड़ भी, जैसे इन्होंने यूनानी गॉडेस की बहुत सारी एग्जांपल दी हैं, मिनर्वा उल्लू पर बैठी हुई है मिनर्वा। तो अब उन्होंने कहा कि मिनर्वा क्या है और उल्लू कहाँ है, कहाँ कैसे उसको जोड़ोगे आउल पर। तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ें नहीं जुड़ सकती लैंग्वेज में, उनको कल्पना में हम जोड़ करके फिर उन पर उनको हम सोचना शुरू करते हैं कि हमने देख लिया उल्लू पर एक औरत बैठी हुई है, और उसका मतलब ले लिया कि जब मिनर्वा हमारे घर में आएगी, लक्ष्मी हमारे घर में आएगी, तो हम उल्लू बन जाएंगे, हमारी बुद्धि वरिष्ठ हो जाएगी। मेटाफिजिक्स बनाने शुरू कर दी, पुराण लिखने शुरू कर दिए। तो ये कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम लैंग्वेज में जोड़ नहीं सकते, यानी हमें पता ही नहीं कौन सी चीज़ किसके साथ जुड़ सकती है, तो रसल ने कहा ऐसे शब्द है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट हर चीज़ के साथ नहीं जुड़ सकता। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि थ्री डायमेंशनल है, उसको हम कहेंगे ये एग्जिस्ट। एग्जिस्ट शब्द का पहले मैं मानी तय करेंगे, एग्जिस्ट के मानी क्या है,
और फिर हम कहेंगे किसके साथ जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे सैकड़ों शब्द हमारे यहाँ आ जाते हैं जो हमारी भाषा में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, और फिर हम भाषा को क्लियर करने के बजाय, डेफिनेट डिस्क्रिप्शन देने के बजाय, हम उसके आधार पर सोचने लगते हैं। कहीं मक्खन का पहाड़ होगा ज़रूर, जब भी तो ये शब्द आया भाषा में, और फिर हम कहते हैं कि एक स्वर्ग में एक वो है, दूध का समुद्र है, उस दूध के समुद्र को जब मचते हैं तो उसमें मक्खन निकल जाता है, और मक्खन इतना निकल जाता है कि पहाड़ बन जाता है उस पहाड़ का ही नाम। अबे तुमने शुरू में ही मक्खन और पहाड़ को गलत जोड़ दिया लैंग्वेज में, तो मक्खन का पहाड़, तो सारे ऐसे ही इनडेफिनिट डिस्क्रिप्शन बनते चले जाते हैं। फ्रांस का किंग, अब फ्रांस में तो किंग होता ही नहीं, डिक्टेटर है वहाँ तो। अब हमने कहा फ्रांस का किंग, जब हमने शब्द बना दिया भाषा में, क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस तो किया नहीं, डायरेक्ट तो हमने देखा नहीं, अब फ्रांस का किंग बना दिया तो हमने कल्पना बनाई कि ये हमारा फ्रांस जो है ये ओरिजिनल फ्रांस नहीं है, असली फ्रांस तो वहाँ एग्जिस्ट करता है, ये उसकी छाया है। हम ऐसे ही बना लेते हैं दुनिया के ऑब्जेक्ट को कि असली चीज़ तो वहाँ है, वो प्लेटो के आइडियाज, तो कुर्सी का आइडिया तो असली वहाँ है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में ये कुर्सियाँ उसकी छाया हैं। तो हमने यहाँ भी ऐसे ही बना लिया, हमने कहा तो भारत में हम इस चीज़ को बहुत ला सकते हैं, इंडिया में हम ला सकते हैं, वहाँ के रसल ने बहुत उदाहरण दिए हैं ऐसे। अब जब डिक्टेटर हो, जब वहाँ किंग होता ही नहीं, तो हमने एक बजाय सोचने के कि हमने लैंग्वेज में गलत डिस्क्रिप्शन में गलती कर दी, हमने डेफिनेट डिस्क्रिप्शन की जगह हमने और वेग डेफिनेशन देने शुरू कर दी, तो हम उसकी बजाय ये करना शुरू कर देते हैं कि एक मेटाफिजिक्स बनाओ। कहीं ना कहीं तो हो गई, जब हमने ये लैंग्वेज, हमने जब ये लैंग्वेज इस्तेमाल की है फ्रांस का किंग, तो कहीं ना कहीं तो किंग हो गई। पुराने ज़माने में किंग होते थे तो हमने वहीं चले गए, हमने कहा एक दुनिया है, वहाँ हमारा फ्रांस चला गया है और उसकी छाया ये पड़ रही है। तो रसल ने इस तरह से डेफिनेट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के ऊपर लैंग्वेज में बड़ा ज़बरदस्त वो किया है। इसको भारत में देखो आप, भारत में हमने एक हाथी देखा कहीं पड़ा हुआ और एक आदमी मोटा सा हमने देखा, तो हमने कहा अगर इस हाथी का सिर इस आदमी के लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा। तो अपने अपनी कल्पना में वो हाथी का सर ला के उस आदमी के, मोटा है, मोटे आदमी को कभी देते तो हाथी की तरह से हो, तो हाथी का सिर हमने ला के वहाँ देखा कैसा लगेगा। अब हमने ये तो गलत सोच लिया कि लैंग्वेज में हमने गड़बड़ी कर दी थी, हाथी कहीं देखा था, ये कहीं देखा था, इन दोनों को कैसे जोड़े हम। वहाँ से जो सेंस डेटा आया था वो सेंस डेटा और तरह का था, ये सेंस डेटा और तरह का था, इनका कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा था, हमने इनको जोड़ दिया। उस सेंस डेटा के साथ ये सेंस डेटा जुड़ता नहीं था, बजाय इसके कि हम उस लैंग्वेज को अपने को डेफिनेट बनाते, हमने कहा एक देवता है स्वर्ग में, उनके हाथी जैसी सूंड है, वक्र तुंड है, वो टेढ़ी सूंड है, और ये करना, और हमने देवलोक बना दिया पूरा पूरा। तो भारत में ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ डेफिनेट डेफिनेशन की बजाय बिल्कुल वेग डेफिनेशन इसलिए हुई है कि हम उन चीज़ों को जिनको हम जोड़ नहीं सकते, जिस सेंस डेटा को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, उस सेंस डेटा को हमने ज़बरदस्ती इकट्ठा करके और लैंग्वेज सोचने कर। तो रसल का डेफिनेट डिस्क्रिप्शन का जो सिद्धांत है वो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन भाषा को बिल्कुल क्लियर कर दिया है उन्होंने, और उसके आधार पर उन्होंने मेटाफिजिक्स को बिल्कुल इलिमिनेट कर दिया। मेटाफिजिक्स का कोई भी वाक जो है वो डेफिनेट डिस्क्रिप्शन नहीं होती उसमें, उसमें सब में वेग डेफिनेशन है सारी की सारी, क्योंकि कहीं भी सेंस डेटा कोई ऐसा नहीं मिलता जिस सेंस डेटा को दूसरे सेंस डेटा के साथ मिला करके और कोई ऑब्जेक्ट बना सकें या उसका कोई नाम रख सकें हम। तो ये लंबा, बहुत लंबा चौड़ा है रसल की डेफिनेशन की थ्योरी, डेफिनेशन की थ्योरी पर रसल ने बहुत और बड़ी एग्जाम्पलें दी हैं, और एग्जाम्पलें दे के भाषा को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इतनी क्लियर हो गई है भाषा के, कहीं भी हमें मेटाफिजिकल थिंकिंग की, एक दूसरी दुनिया बनाने की, मेटाफिजिकल दुनिया बनाने की ज़रूरत नहीं। इस दुनिया को ही हम बड़े स्पष्ट रूप में एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेशन ऐसी दे करके, तो हमारे पास डेफिनेशन जब वो डिस्क्रिप्शन जब देनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें सेंस डेटा प्राप्त हुए हैं, और कैसे सेंस डेटा को कैसे डेटा टाइप देखेंगे हम उनके, कैसे के साथ जोड़ा जा सकता है,
किन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, तो उसके बाद आधार पर हमारा डेफिनेट डिस्क्रिप्शन का सिद्धांत बन जाएगा, जो कि बहुत लंबा चौड़ा है। उस लंबे चौड़े को हम छोड़ करके अब आगे चलेंगे। अब हम आगे आएंगे रसल के उस सिद्धांत पर जो उन्होंने मोस्ट मॉडर्न टाइम में दिया है। बीच के सिद्धांत आते रहे, बदलते रहे। रसल ने कभी न्यूट्रल मोनिज्म दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी और कोई फिलॉसफी दे दी, कभी लैंग्वेज में चले गए, वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस में चले गए। लेकिन जिस चीज़ को अब उन्होंने अंत में पकड़ा, उस पर हम आकर के विचार करेंगे, और वो है लॉजिकल एटोमिज्म। लॉजिकल एटोमिज्म जो है वो एक्चुअली उसी पुरानी साइंस डेटा की फिलॉसफी को उन्होंने, जो नए सारे लैंग्वेज फिलोसफर के, लैंग्वेज फिलोसफी के आदमी आए थे, बहुत सारे लोग लैंग्वेज के, आजकल लैंग्वेज का एनालिसिस बहुत अच्छा हो रहा है, तो लैंग्वेज का एनालिसिस करने वाले बहुत सारे जो थिंकर हैं, उन थिंकर्स ने सारा जो लैंग्वेज का रूप बना के हमारे सामने खड़ा किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारे विटगेंस्टीन हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ मीनिंग दी है। थ्योरी ऑफ मीनिंग पे मैंने भी काम कराया। थ्योरी ऑफ मीनिंग का मतलब मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीनिंग। अब चूंकि ये वैसे रिलेवेंट तो नहीं है इस समय, ये तो विटगेंस्टीन में होगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक आदमी ने एक जगह लिखा हुआ देखा, लिप्टन मीन्स गुड टी। वो आया घर, उसने डिक्शनरी खोली, लिप्टन, और लिप्टन का शब्द ही नहीं लिखा हुआ था, पर्टिकुलर नेम है, वो तो पर्टिकुलर नेम ही नहीं था। उनने बड़ा लोगों से देखा देखा, उनने कहा पर्टिकुलर नेम नहीं है, कहीं मिल जाएगा लिप्टन, जनरल किसी आदमी का नाम रहा होगा, किसी चीज़ का नाम रहा लिप्टन, तो लिप्टन माने देखा, डिक्शनरी में गुट्टी नहीं मिला उसका मतलब। तो यहाँ मीन का शब्द हो रहा है, लिप्टन मीन्स गुट्टी, तो यहाँ मीन्स के मीनिंग के क्या मीनिंग है, ये जो मीन्स है, लिप्टन माने गुट्टा है चाय, तो माने के क्या माने हैं यहाँ। एक जगह और एक आदमी का हुआ, उसके पास टेलीफोन आया, मोबाइल, भाई मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो जैसे ही उसका टेलीफोन मोबाइल आया, उसने मोबाइल रखते ही नीचे कहा अपनी पत्नी से, ओ सोहन लाल का आना मीन्स कैंसिलेशन ऑफ द प्रोग्राम। उसके आने का अर्थ ये है कि मेरा प्रोग्राम जो बाहर जाने का कैंसिल। तो डिक्शनरी में देख रहे हैं, सोहन लाल माने कैंसिलेशन ऑफ द प्रोग्राम, तो वो तो मिलने गए, तो मानी क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीनिंग। तो ये तो खैर उसमें विटगेंस्टीन ने काम किया, लेकिन लैंग्वेज पर जो काम किया है जिन लोगों ने, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटगेंस्टीन ही है। तो रसल सबसे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं जितने भी लैंग्वेज की फिलॉसफी से, पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस हुए हैं, और उसको निकाल करके अपनी जो साइंस डेटा की फिलॉसफी थी, जो ओरिजिनल वहाँ से चले थे डायरेक्ट नॉलेज बाय एक्वेंटेंस से, उसको आज इन्होंने एक बहुत ही मोस्ट मॉडर्न ढंग से पेश कर दिया, और उसका नाम रख दिया है लॉजिकल एटोमिज्म। फिजिक्स में एटम का सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ एटम मानी जाती है। एटम का अर्थ होता है ए जमा टोम, टोम का मतलब काटना, डायकोटोमी, दो हिस्से करना, तो टोम का मतलब होता है काटना, और ए टोम का मतलब जिसको काटा ना जा सके। तो जो बेसिक फैक्ट है, जिसको और ज़्यादा बेसिक में रिड्यूस नहीं किया जा सकता, जो इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल फैक्ट है, जिस सिंपल फैक्ट को और किसी चीज़ में रिड्यूस नहीं किया जा सकता, वही साइंस डेटा वाली बात हो गई, लेकिन मॉडर्न वे में लॉजिक लिया है। तो अब ये कह रहे हैं कि उसको हम एटम कहेंगे, जो ऐसी चीज़ होगी। तो ये एटम जो है हमारे पास जब आता है, तो ये लॉजिक में आता है, लैंग्वेज में भी एटम हो जाता है। लैंग्वेज में हमारी जो प्रपोजिशंस हैं,
उन प्रोपोजिशंस को हम कैसे बेसिक प्रोपोजिशन बना सकते हैं, और बेसिक प्रोपोजिशन बना करके फिर वो पॉजिटिविस्ट की तरह से बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। एक हमने स्टेटमेंट बोला, घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है। अब जो है इसको हम कैसे करें, पहले घोड़े को रिड्यूस करें, घोड़ा है क्या, किसको हम घोड़ा कहेंगे, इसको समझाने के लिए हमें इट इज़ एन एनिमल, इट इज़ इट हैज़ फोर लेग्स, इट इज़ सो एंड सो। तो हम बेसिक प्रपोजिशन में अपने उस सब्जेक्ट को, फिर दौड़ने की क्रिया को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जब हम लाएंगे तो हमारे पास एटॉमिक एक सिद्धांत बन जाएगा। तो जो हमारी ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रपोजिशंस हैं, उनको हम जब सिंपल प्रपोजिशन में रिड्यूस करके और उनको वेरीफाइबल बना देंगे, सत्य बना देंगे बिल्कुल, तब हम जाकर के बेसिक फैक्ट में उनको बनाएंगे, तब हम जाके लॉजिकल एटोमिज्म पे पहुँचेंगे। तो अब हम लॉजिकल एटोमिज्म पर चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे इस पर। लॉजिकल एटोमिज्म रसल की लेटेस्ट फिलॉसफी है, बीच की फिलॉसफी हमने इसलिए छोड़ दी है कि रसल जो शुरू में हम अपना चेंज बहुत बदलते रहे हैं और उन चेंज को लाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो हम यहीं पर आएंगे, और इस पर आने के लिए भी रसल ने वही काम किया है जो उन्होंने मैथमेटिक्स में किया था। प्रिंसिपिया मैथमेटिका उनकी ज़बरदस्त किताब है, प्रिंसिपिया मैथमेटिक दो वॉल्यूम में है, लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ को, एक एक लॉजिक उसको, मैथमेटिकल फार्मूला को रिड्यूस करते करते, इस फेमिला इस फार्मूला को इसमें रिड्यूस किया जा सकता है, इसको इसमें रिड्यूस किया जा सकता है, और रिड्यूस करते करते उन्होंने कहा कि सारा जितना मैथमेटिक्स है इट कैन बी रिड्यूस टू थ्री बेसिक लॉज ऑफ लॉजिक। बेसिक लॉज ऑफ लॉजिक क्या है, ये जब एरिस्टोटल जब कर रहे थे तो आपको ध्यान होना चाहिए, तीन हैं बेसिक लॉज ऑफ लॉजिक, चार और कोई लॉ नहीं है, चौथा लॉ। सारी दुनिया में लॉजिकल थिंकिंग के तीन ही लॉ हैं, और जो बात सुकरात ने कही थी कि नो साइंस इन द वर्ल्ड कैन बी इलॉजिकल, दुनिया में कोई साइंस भी इलॉजिकल नहीं हो सकती, इसलिए ये तीन जो लॉ हैं ये बेसिक लॉ हैं सारी साइंस के। और रसल ने यही काम किया, रसल ने कहा कि मैथमेटिकल फार्मूला जितने भी हैं उनको सबको हम लॉजिकल लॉज में रिड्यूस कर सकते हैं। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ए इज ए थिंग इज वाट एवर इट इज। अब बड़ा आसान लॉ है, लेकिन इसको ही हम कंफ्यूज कर जाते हैं, इलॉजिकल हो जाती थिंकिंग हमारी। अगर इस लॉ को हम कंसिस्टेंटली फॉलो करें कभी इलॉजिकल नहीं होगा। तो पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन, ए कैन नॉट बी बी एंड नॉट बी एट द सेम टाइम। कुर्सी लाल और नॉट लाल एक ही समय में नहीं हो सकती, पानी ठंडा और नॉट ठंडा एक ही समय में नहीं हो सकता, ये लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन। और तीसरा है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, लॉजिक में मिडिल नहीं होता, पोइट्री में तो हो जाता है, वो लंबे लंबे गोरे गोरे, वो गोरे गोरे काले काले हैं, लोगों ने कहा बड़ी अच्छी पोइट्री बनाई, देखो गोरे गोरे काले काले बना दिए, लेकिन लॉजिक में ये फैलेसी है सारी। लॉजिक में कहा होगा कि दोनों जो एक्सट्रीम है, जैसे हमने कहा कि ए कैन नॉट बी बी एंड नॉट बी एट द सेम टाइम, तो हमने एक्सक्लूडेड मिडिल, मिडिल निकाल देंगे, हम कहेंगे ए मस्ट बी आइदर बी और नॉट बी। कुर्सी या तो लाल है या नॉट लाल है, पानी या तो ठंडा है नॉट ठंडा है, बीच की चीज़ नहीं हो सकती। तो तीन लॉ में जैसे हमने सारी मैथमेटिक्स को रिड्यूस किया, सारी साइंसेस भी इसी लॉ में रिड्यूस हो जाती हैं। इसी तरह लॉजिक, इसी तरह रसल ने लॉजिकल लॉज को जैसे मैथमेटिक्स में किया था,
इसी तरह यहाँ अपनी फिलॉसफी में किया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं दुनिया के, दुनिया हमारी भाषा में तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही होते हैं, उनको सब हम रिड्यूस करके सिंपल सेंटेंसेस में, एटॉमिक सेंटेंसेस में कैसे ला सकते हैं, इसका नाम है लॉजिकल एटॉमिज्म। ये एटम जो है फिजिक्स के एटम नहीं हैं, ये लॉजिक के एटम हैं जो रसल बनाएंगे। तो इस पर हम बात करेंगे कि रसल का देखो सबसे बड़ी बात हमने करी कि दुनिया की जितनी चीज़ें हैं उन सबको उन्होंने नष्ट करके बना दिया कन्वीनियंट नेम। मेरे कोई दुनिया में वस्तु नहीं है, कन्वीनियंट नेम है इतने सारे साइंस डेटा का, लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है इतने सारा वक्त। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर कर दिया, लॉजिकल बना दिया इन्होंने। तो ये लॉजिक के भी एटम बना देंगे सारे के सारे। आप फिजिक्स के एटम बनाते हो, रसल लॉजिक के एटम बनाएंगे। तो कल हम रसल के लॉजिकल एटम इन पर आ जाएंगे।